हमारे साथ हैं विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी जी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत सिंह राठी उत्तराखंड ब्यूरो चीफ। और सबसे पहले मैम मेरा सवाल आपसे ये, इतिहास रच दिया है आपने और पहली महिला हैं स्पीकर उत्तराखंड विधानसभा में और पहले बजट को अभी संचालित भी किया है, कैसा रहा पहले बजट का अनुभव? देखिए, आपने सही कहा कि इतिहास रच दिया है। हिस्ट्री का एक सवाल मैं बन चुकी हूँ, इतिहास का एक सवाल, दो नंबर का सवाल बन गई हूँ। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड ऐतिहासिक है, एक छोटे से प्रदेश के लिए, एक नौजवान प्रदेश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रेरणा सूत्र उत्तराखंड बना है। और मुझे गर्व होता है कि जिस प्रदेश में महिला आज से नहीं सालों से सशक्त रही है, मजबूत रही है, इस उत्तराखंड को अपने कंधों पे उठा कर चली है, उसने एक इतिहास रचा है। तो निश्चित तौर पर हम सभी बहनों के लिए, हम नारियों के लिए एक गर्व की बात है और ऐतिहासिक तो खैर है ही। आप विधानसभा अध्यक्ष बनी और शुरुआत जब लोग पॉलिटिक्स की करते हैं, पहली बार दूसरी बार विधायक बनते हैं, तो ये एक लालसा रहती है कि मिनिस्टर बनकर कुछ शासकीय कार्य करें, प्रशासन में रहें, प्रशासनिक आदेश करें। लेकिन आप इतनी पवित्र पीठ पे आसीन हो गई हैं कि मतलब वो सबको ये मौका नहीं मिलता। कई बार हम सुनते थे जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष होते थे तो उनको लोग बोलते थे कि बहुत सख्त हैं, हेडमास्टर हो गए हैं, आपको भी कह रहे हैं ऐसे ही? जी हाँ, मुझे भी तमगा मिल चुका है कि प्रिंसिपल की तरह चलाया है। देखिए, विधानसभा बहुत पवित्र जगह है, हंसी मजाक होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इट्स अ सीरियस प्लेस एंड वी डू वेरी सीरियस बिजनेस इन द विधानसभा। तो बहुत और शायद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, प्रोफेसर भी रही हूँ, तो एक इननेट डिसिप्लिन तो है ही, और शायद उस कारण से लोगों ने मुझे एक तमगा दे दिया। लेकिन मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी दैट दे हैव गिवन मी द यू नो ऑनर ऑफ सेइंग दैट मैं प्रिंसिपल बन गई। जब भी किसी पीठासीन अधिकारी को ये कहा जाता है, पीठासीन मतलब जो पीठ पे आसीन होता है, लोकसभा अध्यक्ष हों या जी, मतलब जब उसको हेडमास्टर लोग कहते हैं तो नकारात्मक अंदाज में नहीं कहते, वो कहते हैं कि अब ठीक है, मतलब समय भी बच रहा है और चीज़ें तेजी से संचालित हो रही है। बिल्कुल पॉजिटिव है, आई एम वेरी हैप्पी, वो मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, पॉजिटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपनी बात कह सकते हैं। तो जितना डिसिप्लिन होगा, जितना अच्छे माहौल में विधानसभा चलेगी, उतना ही प्रदेश के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, और पहले सत्र को आपने संचालित किया, विपक्ष की थोड़ी सी नाराज़गी ये रही कि सिर्फ चार दिन का ये सत्र हुआ। पहले होता था, एक ज़माना होता था या फिर पहले के वक्त में 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन का पूरा सत्र चलता था, अभी इसी को लेकर हम पिछले सत्रों में बातचीत भी कर रहे थे। इस बार सिर्फ चार दिन का ये सत्र हुआ और बहुत सारे मुद्दे हैं उत्तराखंड में, बहुत ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत होनी है और होनी भी चाहिए लोकतंत्र में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, वक्त कम था। ये देखिए, मेरा दूसरा सत्र था, पहला सत्र केवल दो दिन का था और ये सत्र मेरा दूसरा था। मैं आपके माध्यम से, एबीवीपी गंगा के माध्यम से, मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं बताना चाहूँगी, विधानसभा को चलाने में टैक्स पेयर का पैसा लगता है, एंड अनलेस वी हैव बिजनेस, अगर हमारे पास बिजनेस होती है तब हम विधानसभा को चलाने का सोचते हैं। अगर मेरे पास बिजनेस नहीं है और कुछ लोगों को ये बात मैं कह दूं कि मैंने 15 दिन चलाई या 10 दिन चलाई केवल एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए या केवल कहने के लिए, ये बात मुझे कहीं पचती नहीं है। इट इज़ हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ द टैक्स पेयर, सिटीजन ऑफ उत्तराखंड इज़ रनिंग द विधानसभा, अपने पैसे से विधानसभा चलती है उनकी, और उनके पैसे को हम केवल ये बात करने के लिए कि मैंने 10 दिन चला दी या 15 दिन चला दी, ये बात मुझे कुछ जमी नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि विधान जो सत्र है वो लंबा चलना चाहिए, और इसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं कि इस तरह के डिस्कशंस लाए जाएं जहाँ हम अपने विधायकों से
पॉलिसी पर और अन्य और चीज़ों पर जो उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड की जनता के लिए जो उस वक्त के ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर हम ज़रूर डिस्कशन करें, तो आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के डिस्कशंस को भी हम विधानसभा में लाएं। और उत्तराखंड की देवभूमि की आधी आबादी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो उम्मीदें लगा करके बैठी हैं आपसे। इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में महिला की भागीदारी को, महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार हमने ये देखा कि महिलाओं ने बहुत चुपचाप, एज दे सेड द वोटर वाज साइलेंट, महिलाएं ने मन तो बना रखा था, निर्णय भी कर रखा था, और शायद इस बार ये निर्णय था कि ये वोट उत्तराखंड के विकास के लिए होगा। हम लोग इस बात को बार बार लोगों के बीच में, जनता के बीच में रखते रहे हैं कि एक कंटिन्यूएंस होनी चाहिए गवर्नेंस की। जब कंटिन्यूटी होती है गवर्नेंस की, तो जो चीज़ें शुरू होती हैं 5 साल में, वो 8-9 सालों में उनको हम पूरा होते हुए देखते हैं। और इस चीज़ को उत्तराखंड की बहनों ने बहुत बखूबी समझा, और 70 में से 38 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां बहनों ने ज़्यादा वोट किया, और कोटद्वार में भी किया। और आपको, मेरे को बताते हुए अत्यंत खुशी है कि मेरा कोटद्वार में केवल एक मुद्दा लेके मैं कोटद्वार की जनता के बीच में पहुंची थी, और वो था विकास का। सो आई जस्ट स्पोक ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कोटद्वार। देयर वाज नो स्ट्रेटजी, देयर वाज नो प्लानिंग, देयर वाज नथिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बार खुशी हुई है कि जनता ने विकास को एक अहम मुद्दा माना है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट प्लैंक, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्लैंक, डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट प्लैंक था। जी अध्यक्ष जी, वैसे चूँकि आपके पद की गरिमा का मुझे एहसास है, तो मैं ऐसा तो कोई प्रश्न आपसे नहीं करता जी, लेकिन चूँकि आप भी पॉलिटिशियन तो हैं ही, तभी आप विधानसभा अध्यक्ष भी बनी जी। 2012 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, मैं लगातार कवरेज में था एज ए पत्रकार, तो पूरी पार्टी जीत गई और आपके फादर साहब चुनाव हार गए जी। बहुत बड़े अंतर से वो नहीं हारे थे जी, जो भी हार जीत के कारण रहते जी। आपको उस दिन बहुत बुरा लगा होगा कि पार्टी जीत गई है, क्योंकि सरकार बनने वाली थी, एक नंबर से पार्टी रह गई थी जी। तो जिन्होंने जनरल खंडूरी साहब को हराया था, उन्हीं को हरा के 10 साल बाद आप उसी विधानसभा में पहुंचे जी। ये अनुभव वहाँ से 2012 से लेकर के और यहाँ तक की जो एक कहानी आपकी तैयार हो रही है, ये इत्तफाक है या आपने पहले से मन बना रखा था कि नहीं, जाना है और लड़ना है और जीत के सदन पहुँचना है? मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर एक इत्तफाक रहा है। आई हैव नेवर, ना मेरे पेरेंट्स ने ना मैंने कभी ये दिशा सोची थी। ये दिशा आई जस्ट केम इन टू इट, मैं आई बिकॉज आई वॉज अ सोशल वर्कर, मैं पढ़ाती थी, सोशल सर्विस करती थी उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के, 2014 से कुछ अपना NGO वगैरह लेके मैं काम करती थी। सो कुछ भी प्लान नहीं था। अगर आप सोच रहे हैं कि कोटद्वार में मैं बदला लेने गई, ये मीडिया का कहना है, मैंने कोई ये शब्द कभी अपने पूरे कैंपेनिंग में इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिनके खिलाफ मैं लड़ रही थी वो इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में बड़े हैं, सम्माननीय हैं, और हार जीत जीवन में लगी रहती है, इट इज़ नो बिग थिंग। ऐसा नहीं है कि आज हार गए तो कल जीत नहीं सकते, या जीत गए तो कल हार नहीं सकते। सो ये सोच कभी मेरे जहन में नहीं आई। मैं फुल ऑन पहुंची कोटद्वार जीत के लिए, ये सही है कि मैं फुल ऑन पहुंची थी कि मुझे जीतना है। एंड प्लैंक एक होगा, डेवलपमेंट प्लैंक होगा। मैंने कहीं भी किसी पर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, भले मेरे पर हुआ, लेकिन मैंने किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया या इस तरह की राजनीति नहीं की कि आज मैं उनके साथ बैठकर एक कप चाय ना पी पाऊँ। तो ही जीत के लिए गई थी, वो भी अपना जीत के लिए थे, मैं भी गई थी, और मुझे लगता है सिद्धबली बाबा की कृपा, जनता का आशीर्वाद रहा, और शायद जो मैं उनके पास लेकर गई, उनको मेरी बातें समझ में आई, दे अंडरस्टूड व्हाट आई वाज गोइंग विद। सो दैट इज़, आपने कहा कि एक मैदान में खिलाड़ी जाता है जीतने के लिए, और आप भी जीतने के लिए गए थे। विकास आपकी पार्टी का एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उसी एजेंडे को लेकर के आप कोटद्वार गई।
ये कहा भी जाता है कि जो जीत आपकी वहाँ पर रही उसका भी ये इनाम है अभी जो आसीन है आप विधानसभा में। और साथ ही साथ ये भी एक सवाल मेरा है इसी के साथ ही, महिलाओं की स्थिति को लेकर, जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी, अंकेश्वर से चुनाव लड़ा, वहाँ से जीते, विधायक बने, और अब कोटद्वार से जीते, वहाँ से विधायक बने, विधानसभा स्पीकर बने, महिलाओं की स्थिति में कितना परिवर्तन आप देख पाए हैं और कितना परिवर्तन आपकी पार्टी ले आई है? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि 2017 से आज तक काफ़ी कुछ हुआ है, बहुत कुछ करने को भी है, लेकिन 2017 में मैं जब पहली बार पॉलिटिक्स में कूदी, मैंने ये चीज़ महसूस की कि महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं धीरे धीरे, चाहे वो शौचालय हो, जनधन अकाउंट हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई जिनसे वो सशक्त हुई। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आज चल रहे हैं उन्होंने भी हमारी बहनों को सशक्त किया, मजबूत किया। उत्तराखंड की बहन आज से नहीं, मैं अपनी दादी की भी बात बार बार लाती हूँ, उस समय से मजबूत और सशक्त रही है। हाँ, कुछ सालों में कुछ ऐसी कारण रहे होंगे जिनके कारण महिला थोड़ी सी कमज़ोर दिखने लगी थी, लेकिन आज फिर धीरे धीरे योजनाओं के कारण और शिक्षा के कारण, हेल्थ के कारण धीरे धीरे फिर सशक्त होती हुई नज़र आ रही है। आज मेरा मानना ये है कि हम उनके हाथ में स्किल दे रहे हैं, हुनर हमने उनके हाथ में देना शुरू किया है, लेकिन इस हुनर को अब हमें मार्केट तक ले जाना है। अब मुझे इस तरह से हम सबको कार्य करना है कि इस स्किल से, इस हुनर से वो कुछ अर्निंग्स कर पाए। सी, विकास आप क्या मानती हैं? विकास जब तक आप कमाना नहीं शुरू करें, आपके पास पैसा नहीं आए, तो विकास बेमाने है। सो नाउ दैट वी हैव बीन एबल टू स्किल द वुमन, अगर हम उनको स्किल दे चुके हैं तो अब समय शायद आ गया है और दिख रहा है। आप हैरान होंगे, कुमाऊं से मैं देख रही थी महिलाएं, दमराड़ी एक कुछ है जगह है, वहाँ चीज़ बन रही है। एंड ये चीज़ आप हैरानी होगी, जो स्विस चीज़ की हम बात करते हैं, चेडर चीज़ बन रही है, जो कि यहाँ सुना भी नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं प्रदेश में, और इन चीज़ों को अब धीरे धीरे एकत्रित करके, वन स्टॉप विंडो जो हम कहते हैं, एकत्रित करके इन चीज़ों को हमें इस तरह से लाना है कि महिला इनसे अब कमा सके। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही मेरा सवाल आपसे था, महिला जो उद्यमी हैं या फिर महिला जो रोज़गार करना भी चाहती हैं उत्तराखंड में रह करके, उनकी एक दिक्कत ये होती है, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, यहाँ से महिलाएँ मुझसे भी ये सवाल करती हैं, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, उनके उत्पादों को मार्केट नहीं मिल पाता है, वो परेशान होते हैं। महिलाओं को यहीं पर उत्तराखंड में ही उनका मार्केट कैसे मिलेगा, पहचान कैसे मिलेगी उनके उत्पादों को? देखिए, बहुत बड़ी परेशानी है। आपने बात सही कही, इसीलिए मैं कहती हूँ स्किल तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन मार्केट देना बहुत आवश्यक है। और आप देख रहे हैं छोटे छोटे कस्बों में, मैं कहूँगी कस्बों से भी छोटे, अब तो गाँव को 4-6, 10-15-20 गाँव को लेकर ब्लॉक लेवल पर हम लोग महिलाओं के लिए हाट खोल रहे हैं, जहाँ वो प्रोडक्शंस को लेकर आएंगी और अपने उन हाटों में रख के उनको, महिला हाट जिनको हम कह रहे हैं, उन पे वहाँ से उनको उनका सेल होगा। इसी तरह से एट द लेवल ऑफ उत्तराखंड छोटी छोटी चीज़ें, हम जैसे हमने कहा है भाई विधानसभा में अगर हम चाय और अगर हम बिस्किट दे रहे हैं तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर आए, हम महिलाओं से लेकर आए, तो ये इनका जैसे आपके मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपके दफ्तर हैं, इस तरह से महिला की प्रोडक्ट को हमें हर हाल में मार्केट तक लाना, एक कंसिस्टेंसी भी ज़रूरत है। अचार बन रहा है लेकिन तीन तरीका का, 3 महीने में वो 3 तरीके का बन रहा है, सो वी हैव टू गेट कंसिस्टेंसी, वी हैव टू पैकेज इट रियली नाइसली, और फिर मार्केट तो देना ही है। लेकिन हम जैसे अपने ग्रोथ सेंटर्स हैं, धीरे धीरे ये अवेयरनेस महिलाओं में आ रही है और हैंड होल्डिंग अभी भी चल रही है।
गवर्नमेंट इज स्टिल होल्डिंग दी हैंड, हैंड होल्डिंग चल रही है और वो हैंड होल्डिंग तब तक चलनी चाहिए जब तक महिला खुद अपने को मार्केट तक ला के अपनी चीज़ों को बेचना ना शुरू कर दे। सो प्रयास है, एक ईमानदार प्रयास चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4-5 साल में हम जो ये प्रयास चल रहा है उसका कोई ना कोई रिजल्ट अवश्य देखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।